Now, we are going to learn how to face the interview. इंटरव्यू को हमें कैसे फेस करना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे आंसर्स देनी चाहिए, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, जिलाधिकारी डिप्यूटी कलेक्टर इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसमें कैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर्स कैसे दिए जाने चाहिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर से दिया गया है, इसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए कल्पना कीजिए कि तुम उप जिलाधिकारी पद के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, सदस्यों को पूछने के लिए 8 या 10 प्रश्न तैयार करें। सदस्य, मैं अंदर आ सकता हूं सर? प्रमुख कहते हैं अंदर आइए और आसन ग्रहण कीजिए। सदस्य कहता है थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। प्रमुख कहते हैं गुड मॉर्निंग, पहले ही कोशिश में आप यूपीएससी में सफल हुए हो, बधाई हो, तुम इस परीक्षा की क्यों तैयारी कर रहे हो? सदस्य कहता है मुझे लगता है कि देश की सेवा करने का और तुम्हारी गुणवत्ता इस्तेमाल करने का यह सही ठिकाना। प्रमुख कहते हैं कि देश की सेवा करने के लिए तुम तुम्हारी गुणवत्ता कैसे इस्तेमाल करोगे? सदस्य कहता है कि सामाजिक समस्याओं की ओर देखते वक्त उन्हें सुलझाने के लिए मेरे काल्पनिक दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं आती हैं, अगर मेरे पास अधिकार हो तो मेरी कल्पनाओं से मैं उन्हें सुलझा सकता हूँ, इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। प्रमुख कहते हैं तुम्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया तो तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे? सदस्य कहता है मेरे पास किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं, मैं उन योजनाओं की एक पत्रिका तैयार करूंगा, उनकी सहायता से मैं किसानों को समृद्ध बढ़ाऊंगा। देखिए इंटरव्यू है, यहाँ पर आधा ही इंटरव्यू है, इसे हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। कल्पना कीजिए, देखिए यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, कल्पना करने के लिए आएगा, इमेजिन यानी कल्पना करना, कल्पना कीजिए, इमेजिन यानी कल्पना करना, इमेजिन एक सेंटेंस है, यहाँ पर कंजक्शन है दैट, फिर वो अगला सेंटेंस है तुम उप जिलाधिकारी पद के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, किस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे 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 हमें पीछे आना होता है। देखिए यू आर लेने का आईएनजी फॉर्म है, टेकिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम आईएनजी द्वारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यू आर टेकिंग इंटरव्यू के लिए एन इंटरव्यू, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू इसके लिए के लिए फॉर पद के लिए द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर। इमेजिन दैट यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, इमेजिन दैट यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर। सदस्यों को पूछने के लिए 8 से 10 प्रश्न तैयार करें, इस सेंटेंस के एंड में इंपेरेटिव सेंटेंस है, सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाना होता है, तैयार करें, प्रिपेयर 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 प्रश्न, 8 to 10 क्वेश्चंस, प्रिपेयर 8 to 10 क्वेश्चंस, उसके एल्बम के लिए आएगा फॉर, पूछने के लिए आएगा आस्किंग, स्कोर के लिए आएगा टू, और सदस्यों के लिए द कैंडिडेट्स, प्रिपेयर 8 to 10 क्वेश्चंस फॉर आस्किंग टू द कैंडिडेट्स, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidates, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidates, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidates, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidates, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidates. Dekhiye, imagine that you are taking an interview for the post of deputy collector, prepare 8 to 10 questions for asking to the candidate. Sadashya, the candidate, main andar aa sakta hu sir? Ise may I aane ke liye come, may I come inside, dekhiye may I come inside, 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 may I come in sir, प्रमुख कहते हैं अंदर आइए, आइए कम अंदर इन, कम इन, आसन ग्रहण कीजिए, ग्रहण करने के लिए
आप आसन के लिए सीट हैव अ सीट कम इन एंड 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 हैव अ सीट मैं आई कम इन सर कम इन एंड हैव अ सीट द कैंडिडेट सेज मे आई कम इन सर द चीफ सेज कम इन एंड हैव अ सीट The candidate says, thank you sir, good morning. The candidate says, thank you sir, good morning. The chief says, good morning. पहले कोशिश में आप UPSC में सफल हुए इस sentence में subject है आप, आपके लिए आएगा you. You. इस हिंदी sentence के end में हुए हो, गए हो, सोए हो ये शब्द आते हैं तो present perfect tense होता है हम भाग हजार वर्ग का third form use करते हैं देखिए you इस है के लिए have सफल होने के लिए सक्सीडेड यू हैव सक्सीडेड इस यूपीएससी के लिए आएगा यूपीएससी यू हैव सक्सीडेड यूपीएससी उसके एलिवल मे के लिए आएगा इन और पहली कोशिश के लिए द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव सक्सीडेड यूपीएससी इन 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 फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे भी आ सकता है यू हैव पास्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट 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 बधाई हो कांग्रेचुलेशन बधाई हो के लिए कांग्रेचुलेशन तुम इस परीक्षा की क्यों तैयारी कर रहे हो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है पहले हमें डब्ल्यूएच वर्ड देना होता है व्हाई इस थे के लिए आएगा वेयर व्हाई वेयर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू व्हाई वेयर यू तैयारी करने का आईएनजी फॉर्म है प्रिपेयरिंग व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग व्हाई व्हाई वेयर यू प्रिपेयरिंग व्हाई वेयर यू प्रिपेयरिंग उसके आईएनजी और इस की के लिए आएगा फॉर और इस परीक्षा के लिए दिस एग्जाम व्हाई वेयर यू प्रिपेयरिंग फॉर 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 दिस एग्जाम Why were you preparing for this exam? 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 सदस्य कहता है, the candidate says, मुझे लगता है, मुझे के लिए आएगा I लगता है ये simple present tense हम verb का first pronounce करते हैं. I think ये conjunction है that. I think that देश की सेवा करने का और तुम्हारी गुणवत्ता इस्तेमाल करने का यह सही ठिकाना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो यह के लिए आएगा दिस इस सेंटेंस के एंड में है के लिए आएगा इज दिस इज सही ठिकाना के लिए द राइट प्लेस दिस इज द राइट प्लेस दिस इज द राइट प्लेस उसके आगे और इस कार के लिए आएगा टू दिस इज द राइट प्लेस टू इस्तेमाल करने के लिए आएगा यूज तुम्हारी गुणवत्ता के लिए आएगा your quality this is the right place to use your quality this is the right place to use your quality this is the right place to use your quality this is the right place to use your quality this is the right place to use your quality desh ki seva karne ka is ka ke liye aayega to and to serve our nation to serve our nation This is the right place to use your quality and to serve your nation. This is the right place. This is the right place to use your quality and to serve your nation. This is the right place to use your quality and to serve your nation. This is the right place to use your quality and to serve your nation. This is the right place to use your quality and to serve your nation. This is the right place to use your quality and to serve your nation. I think that this is the right place to use your quality and to serve your nation. I think that this is the right place to use your quality
and to serve your nation. I think that this is the right place to use your quality and to serve your nation. देखिए ये पैराग्राफ मैंने अंग्रेजी में पढ़ाए इतने क्वेश्चंस फिर से मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ. The candidate, may I come in sir? The chief says, come in and have a seat. The candidate says, thank you sir, good morning. The chief says, good morning. You have passed UPSC in first attempt. Congratulations. Why were you preparing for this exam? The candidate says, I think that this is the right place to use your quality and to serve your nation. देश की प्रमुख कहता है, the chief says, देश की सेवा करने के लिए तुम तुम्हारी गुणवत्ता कैसे इस्तेमाल करोगे? ये भी WH क्वेश्चन है. पहला हमें WH वर्ड देना पड़ता है. कैसे के लिए आएगा हाउ. इस सेंटेंस के एंड में एगे सिंपल फ्यूचर टेंस है. हाउ विल यू, ये सब्जेक्ट है यू. हाउ विल यू यूज देखिए, हाउ विल यू यूज तुम्हारी गुणवत्ता के लिए योर क्वालिटी. हाउ विल यू यूज 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 योर क्वालिटी. उसके इसके लिए के लिए आएगा टू, और सेवा करने के लिए सर्व, और अपना देश के लिए आवर नेशन. देखिए हाउ विल यू यूज योर क्वालिटी टू सर्व आवर नेशन. हाउ विल यू यूज योर क्वालिटी टू सर्व आवर नेशन. हाउ विल यू यूज योर क्वालिटी टू सर्व आवर नेशन. हाउ विल यू यूज योर क्वालिटी टू सर्व आवर नेशन. How will you use your quality to serve our nation? How will you use your quality to serve our nation? How will you use your quality to serve our nation? How will you use your quality to serve our nation? How will you use your quality to serve our nation? The candidate says, सदस्य कहता है, सामाजिक समस्याओं की ओर देखते हो. इस वक्त के लिए आएगा भाई. देखने का है जो फॉर्म है लुकिंग. भाई लुकिंग इसकी ओर के लिए आएगा एट, सामाजिक समस्या के लिए सोशल प्रॉब्लम्स. भाई लुकिंग एट द सोशल प्रॉब्लम्स. भाई लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स. भाई लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स. भाई लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स. उन्हें सुलझाने के लिए मेरे काल्पनिक दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं आते हैं. मेरी काल्पनिक दिमाग माई इमेजनरी माइंड आती है जाती है काती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. माई इमेजनरी माइंड गेट्स अलग अलग कल्पनाएं, डिफरेंट आइडियाज. माई इमेजनरी माइंड गेट्स डिफरेंट आइडियाज. माई इमेजनरी माइंड गेट्स डिफरेंट आइडियाज. उसके योर के लिए आएगा टू, सुलझाने के लिए आएगा सॉल्व, होने के लिए आएगा जब. माई इमेजनरी माइंड गेट्स डिफरेंट आइडियाज टू सॉल्व. माई इमेजनरी माइंड गेट्स डिफरेंट आइडियाज टू सॉल्व. My imaginary mind gets different ideas to solve them. My imaginary mind gets different ideas to solve them. My imaginary mind gets different ideas to solve them. My imaginary mind gets different ideas to solve them. While looking at social problems, my imaginary mind gets different ideas to solve them. While looking at social problems, my imaginary mind gets different ideas to solve them. While looking at social problems, my imaginary mind gets different ideas to solve them. अगर ये तुम्हारे मेरे पास अधिकार हो, I हो के लिए have, I have rights. If I have rights, तो मेरी कल्पनाओं से मैं उन्हें सुलझा सकता हूँ. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा. आ सकता हूँ के लिए कैन, सुलझने के लिए सॉल्व. आई कैन सॉल्व, होने के लिए देम. आई कैन सॉल्व देम इससे के लिए आएगा विथ. आई कैन सॉल्व देम विथ मेरी कल्पनाओं के लिए माय आइडियाज. आई कैन सॉल्व देम विथ 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 माय आइडियाज. इसलिए सो मैं यूपीएससी की कोशिश कर रहा हूँ. मैं के लिए आएगा आज, रहा हूँ के लिए आएगा आई एम. आई एम कोशिश करने के लिए, ट्राइंग और प्रिपेयरिंग. आई एम ट्राइंग इसके लिए के फॉर, और यूपीएससी के लिए यूपीएससी. सो आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी. सो आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी. सो आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी.
आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी, आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी, आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी, आई एम ट्राइंग फॉर यूपीएससी। प्रमुख द चीफ सेज तुम्हें इस पद के नियुक्त किया गया तो तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे। इफ का सेंटेंस है, इफ तुम्हें के लिए यू, सिंपल पास्ट इफ यू एक पैसिव वॉइस है, यहाँ गया है सिंपल पास्ट टेंस लगता है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है। इफ यू आर गया के लिए आर, इफ यू आर नियुक्त करने का थर्ड फॉर्म है अपॉइंटेड, यू आर अपॉइंटेड इसके लिए के लिए फॉर और इस पद के लिए दिस पोस्ट। इफ यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, इफ यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, इफ यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, if you are appointed for the post, 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 tum kaun sa vishesh karya karo, kaun sa vishesh karya, what special work, what special work is karoge ke liye will, tum ke liye aur karne ke liye will, what special work will you do, 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 if you are appointed for this post, what special work will you do, if you are appointed for this post, what special work will you do। The candidate says mere paas kisanon ke liye alag alag yojanaen hain, mere paas aaye is sentence ke end mein hai ke liye aaya tha, I have अलग अलग योजनाएं, different ideas, I have different ideas, I have different ideas किसके लिए के लिए आएगा for और किसानों के लिए farmers, I have different ideas for 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 farmers, I have different plans for farmers, I have different plans for farmers, मैं उन योजनाओं का एक पत्रिका बनाऊंगा, मैं के लिए आएगा ये आई, इस सेंटेंस के लिए ले आएगा के लिए भी आई विल, तैयार करने के लिए आएगा प्रिपेयर, आई विल प्रिपेयर एक पत्रिका के लिए अ ब्रोकर, आई विल प्रिपेयर अ ब्रोकर इसकी के लिए आएगा ऑफ और उन योजनाओं के लिए द प्लान्स, आई विल प्रिपेयर अ ब्रोकर फॉर द प्लान, आई विल prepare a broker of the plan, I will prepare a broker of the plan, I will prepare a broker of the plans, 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 I will prepare a broker of the plans। उसकी सहायता से मैं किसानों को संपर्क सुंदर बनाऊंगा, मैं के लिए आएगा आय, इस सेंटेंस के एंड में उंगा के लिए भी आई विल समृद्ध बनाने के लिए एनरिच, आई विल एनरिच और किसानों के लिए फार्मर्स, आई विल एनरिच 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 फार्मर्स। देखिए इस तरह से हमने जो इंटरव्यू है इसे अंग्रेजी में बनाया है, फिर से एक बार इसे मैं अंग्रेजी में बनाता हूँ, देखिए इस पर ध्यान दीजिए कौन सा शब्द मैं कब उच्चार रहा हूँ, कब कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ के सीम में कहाँ पर आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, कहाँ पर कम कर रहा हूँ, ये सभी और आप ध्यान दीजिए। इमेजिन दैट यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर, प्रिपेयर 8 to 10 क्वेश्चंस टू आस्क द कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट सेज मे आई कम इन सर, द चीफ सेज कम इन एंड हैव अ सीट, the candidate says thank you sir, good morning, the chief says good morning, you have succeeded UPSC in first attempt, congratulations, why are you preparing for this exam, the candidate says I think that this is the right place to use your quality and to serve your nation, the chief says how will you use your quality to serve our nation, the candidate says while looking at social problems, my imaginary mind gets different ideas to solve them. If I have rights, I can solve them with my ideas. So I am preparing for UPSC. The chief says, if
You are appointed for this post. What special work will you do? The candidate says, I have different plans. I have different plans for farmers. I will prepare a broker of the plan. I will enrich farmers with it. I will enrich farmers with the help of the plan. With the help of that plan. With the help of that plan. I will enrich farmers with the help of that plan. I will enrich the farmers with the help of that plan. I will enrich the farmers with the help of that plan. फिर से मैं एक बार इसमें इंटरव्यू में इसे अंग्रेजी में बनाता हूँ. इसकी ओर ध्यान दीजिए. मैं कहाँ पर कौन से चेंजेस कर रहा हूँ इसको ही ध्यान दीजिए. इमेजिन दैट यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर. प्रिपेयर 8 क्वेश्चंस टू आस्क द कैंडिडेट. द कैंडिडेट सेज मे आई कम इन सर. द चीफ सेज कम इन एंड हैव अ सीट. द कैंडिडेट सेज थैंक यू सर गुड मॉर्निंग. द चीफ सेज गुड मॉर्निंग. You have succeeded UPSC in first attempt. Congratulations. Why are you preparing for this exam? The candidate says, I think that this is the right place to use your quality and to serve our nation. The chief says, how will you use your quality to serve our nation? The candidate says, while looking at social problems, my imaginary mind gets different plans to solve them. If I have rights, I can solve them with my ideas. So I am preparing for UPSC. The chief says, if you are appointed for this post, what special work will you do? The candidate says, I have different plans for farmers. I will prepare a broker of the plan and I will enrich farmers with the help of that plan. फिर से देखिए ये जो इंटरव्यू है इसे हमने अंग्रेजी में बनाया और सिर्फ हम अपने दिमाग में आए हुए सेंटेंस इन्हें लिख कर अंग्रेजी में बना सके या अंग्रेजी में बोल सके इतने ही काफी. इतनी जो एबिलिटी है इतनी ही क्षमता है इस इतनी अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं. आप इंटरव्यू में बैठे हो आपके दिमाग में सेंटेंस आए हो और आप ऐसे कहोगे मैं आई कम इन सर. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग. आई थिंक दैट दिस इज द राइट प्लेस टू यूज योर क्वालिटी एंड टू सर्व योर नेशन. इतनी धीमी गति से या आपके सामने ये पार्ट नहीं होता. आपके सामने यहाँ नंबर से लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा सेंटेंस बोलना है. वहां पर लिखा हुआ होता है उसे देखकर आपको अंग्रेजी में बनाना होता है. इतनी स्लोली नहीं, हम बहुत गति से इतने गति से हम लिखते हैं उससे ही कितनी तो ज्यादा गति से हम बोलते हैं. इसलिए जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं उस गति से हमें अंग्रेजी सेंटेंस बनाने आना जरूरी है और इसके लिए एक ही मार्ग है प्रैक्टिस. देखिए आपको ये जो यहाँ पर वीडियो है यहाँ पर पॉज करना है और इसकी ओर देखते हुए बार बार आपको कोशिश करना है और कोशिश करते हुए आपको आपकी स्पीड आपके इंटोनेशंस आपके राइजिंग इंटोनेशन डाउनिंग इंटोनेशन जो भी हो उसे आपको चेक करना है. आपकी साउंड कैसी हो रही है उसे बार बार आपको सुनना है उसे चेक करना है. देखिए मैं यहाँ पर जो इंटरव्यू है इसकी ओर देखते हुए इसे मैं अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ. आपको चेक करना है कि इंटरव्यू अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितना वक्त लगता है. उतने सेकंड भी आपको चेक करना है और उसी के साथ मैं मेरी आवाज़ कहाँ पर रोकता हूँ कहाँ पर मैं मेरी आवाज़ बढ़ाता हूँ कहाँ पर मैं मेरी आवाज़ कम करता हूँ मैं सोचने के लिए वक्त कैसे लेता हूँ ये सभी को और आपको ध्यान देना है और उसी तरह से आपको कोशिश करना है. मैं फिर एक बार इंटरव्यू अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ. आपको मेरा टाइम चेक करना है. माई टाइम स्टार्ट्स नाउ. इमेजिन दैट यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर. Prepare 8 questions to ask to the candidates. The candidate says, may I come in, sir? The chief says, come in and have a seat. The candidate says, thank you, sir. Good morning. The chief says, good morning. You have succeeded UPSC in first attempt. Congratulations. Why were you preparing for this exam? The candidate says, I think that this is the right place to use your quality and to serve your nation. The chief says, how will you use your
your quality to serve our nation, the candidate says. While looking at social problems, my imaginary mind gets different ideas to solve them. If I have rights, I can solve them with my ideas. So I am preparing for UPSC. The chief says, if you are appointed for this post, what special work will you do? The candidate says, I have different plans for farmers. I prepare a broker of the plans and I will enrich farmers with the help of that plan. आपने अभी मेरा टाइम चेक किया होगा। मुझे ये जो स्पीच है, ये जो इंटरव्यू है, इसे अंग्रेजी में बनाने के लिए कितना वक्त लगा है, ये भी आपने चेक किया होगा। आपको भी अभी ये वीडियो आपको स्टॉप करना है, पॉज करना है और इस बात की ओर देखते हुए आपको इसे अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप पहली बार कोशिश करोगे तो आपको बहुत, मैंने शायद ये डेढ़ दो मिनट जितने सेकंडों में बनाया है, जितने मिनटों में बनाया, उतने ही मिनटों में आप इसे अंग्रेजी में बना नहीं पाओगे। आपको दूसरी बार कोशिश करनी, तीसरी बार कोशिश करनी, चौथी बार कोशिश करनी, पांचवी बार कोशिश करनी। जब तक आप मेरी स्पीड, आप मेरी गति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको एक कोशिश जारी रखनी है। और आप बार बार कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। जैसे हमें हिंदी बात करते वक्त हमें सोचने की नहीं जरूरत पड़ती कि हमें कौन सा शब्द कहाँ लेना है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, क्या कोई भी सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से इतनी हैबिचुअल ये प्रोसेस जब तक नहीं होती, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। आपको शुभेच्छाएं देता हूँ कि आप अपनी कोशिश जारी रखोगे। और यहाँ पर एक पूरे क्वेश्चन बोर्ड की जगह की कमी की वजह से यहाँ 10 क्वेश्चन, 8 या 10 क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, यहाँ सिर्फ 1, 2, 3, 4 है। इसके आगे आप सोचिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर्स कैसे हो सकते हैं। आप लिख की कोशिश तैयार किसी हो क्वेश्चन और आंसर उनसे आप अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए। आज ये इंटरव्यू कैसे, इंटरव्यू में आंसर कैसे दिए जा सकते हैं, कल हमने हम एक आप प्रोग्राम है उसमें स्पीच कैसे दी आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, या आपसे आपकी संस्था की ओर से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो आप कैसे करोगे, आपको वहाँ पर एंकरिंग करनी है, तो एंकरिंग आप कैसे करोगे, ये हम कल पढ़ेंगे। जारी रहे हमारे चैनल के साथ। ऐसे 350 वीडियो तो आज यूट्यूब पर हमारे चैनल पर है, वो सभी वीडियोस देखें और आप अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बने। और इसके आगे भी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक महीने का या दो महीने का कोई कोर्स करूंगा और उसमें अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बन जाऊंगा। इस तरह से एक महीने का दो महीने का कोर्स करके कोई भी लैंग्वेज परिपूर्ण पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकती, उसे गेन नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमने कोर्स पूरा किया है, उसे खत्म किया, हम खत्म कर सकते हैं, शुरू नहीं कर सकते। हमें लैंग्वेज इंप्रूवमेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चालू ही होती है। और देखिए, फॉर्मल टॉकिंग और इनफॉर्मल टॉकिंग ये पूरी तरह से डिफरेंट होती है। हम किसी दोस्तों के साथ कहीं कॉलेज के एरिया में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, वहां पर हमें कोई गलती होगी, कोई बराबर होगा, कोई सही होगा, हमें कोई टेंशन नहीं होगा। वहां पर हम कुछ भी बात करते हैं, कैसे आगे हो पीछे हो, कोई टेंशन नहीं होता। आपको आपके दोस्तों में कोई जोक सुनाना हो तो आप झट से सुना देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपको ही कहा जाएगा, भाई आइए, ये हमारे स्टूडेंट्स है, छात्र है, यहाँ पर आगे आकर उनको एक जोक सुनाइए, ऐसा कहा गया तो आप कह रहे नहीं भाई मुझे बात नहीं, उसी बात नहीं करते। जितने लोग हिंदी बात करते हैं उनमें से 95% लोग फॉर्मल रूप से उस भाषा को, हिंदी को इस्तेमाल नहीं करते। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे भी आपको फॉर्मल रूप से यूज करने को कहा जाए वो भी आप कहते नहीं मुझे। और अंग्रेजी के बारे में हम अपेक्षा करते हैं कि हमें डायरेक्टली हमें अंग्रेजी फॉर्मल रूप से ही बात करने आनी चाहिए। देखिए, कोई नेता भी हो, पहली बार वो भाषण देने में पहली बार ही नहीं, डायरेक्टली नहीं दे सकता। जब कोई नेता बनने आता है तो उसे क्या बोलना है, लोगों से क्या बात करने, उसकी प्रिपरेशन उसके दिमाग में करनी पड़ती है। कितने तो नेता है लिख कर प्रिपरेशन करते हैं, मुझे कौन सा मुद्दा कब कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बाद क्या बात करनी, उसे लिख कर प्रेजेंट करते हैं। बहुत से बड़ा लीडर कम से कम अपने दिमाग में प्रिपेयर करता है कि मुझे क्या बात करनी। प्रिपरेशन, फॉर्मल टॉकिंग के लिए प्रिपरेशन जरूरी होती है। कितने तो टीचर्स, उन्हें क्या पढ़ाना है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। फॉर्मल टॉकिंग के लिए प्रिपरेशन जरूरी होती है। हमारे जो गलत फहमियाँ हैं कि हम अंग्रेजी के दो महीने का कोर्स हमने किया, उसे पूरा किया, अब हमारे अंग्रेजी, ऐसी गलत फहमी मत है। जो इम्प्रूवमेंट है हमारी
कंटिन्यूअसली जारी रहनी चाहिए। इसलिए हम हमारे देश के सारे नौजवान, हमारा पूरा देश अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनना चाहिए। अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से उनसे ही अंग्रेजी बोलने का कॉन्फिडेंस हमारे नौजवानों के अंदर निर्माण होना चाहिए। इसकी कोशिश हम जारी रखेंगे, ऐसे नए नए वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट के जरिए है, इनका इस्तेमाल करें और हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए। इसके लिए आप हमें सहायता करें, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।